वैसे ताला पाड़ दिया राम ने। फौजी ने रोका, बोला कि अपना झंडा निकालो भाई, ये चौक आया है नमूना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और भाई जाग लिया हम, 5:30 का टाइम हो गया है और अब करके ब्रश भागते हैं यहाँ से, है ना। कुछ तो पैकिंग कर ली है, बस ये रह गया है, ये करते हैं पैकिंग और फिर दौड़ते हैं। लो जी, चल पड़े हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह चलते ही बरसात शुरू हो गई है हल्की हल्की। अब होना तो यही हाल है भाई, मानसून चल रहा है, कभी बरसात कभी कुछ, है ना। कोई नहीं, देखते हैं जैसा भी है। भाई ये चौक आया है नमूना चौक, देख लो नमूना चौक। और अभी बरसात रुकी है भाई यहाँ पे हो गए। भाई पहला स्टॉप लिया हमने 30 किलोमीटर पे, बॉर्डर रह गया है केवल 5 किलोमीटर दूर। छोटा थोड़ा कुछ खा लें यार, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, दौड़ लिए। एक ये खाया है, चाय आ गई, बिस्कुट आ गया है, और अब खा के दौड़ लेंगे, क्योंकि अभी 7:30 ही हुए हैं, मतलब 8 बजे से पहले पहले बॉर्डर हमने क्रॉस करना था, लगा रखा था ये। देख लो 8 बजे से पहले मैंने 35 किलोमीटर कवर कर दिया भाई। अरे भाई की स्पीड तो है, और वो तो ये सोचो कि सामने की हवा थी, अगर सामने की हवा ना होती ना तो मैं लगभग 6:30-7 बजे क्रॉस कर देता। लो भाई हम आ गए हैं बॉर्डर पे, देख रहे हो बस। अब यहाँ से कुछ देर के बाद 1 किलोमीटर मैक्सिमम हम इंडिया में इंटर कर जाएंगे, अपने भारत में। जैसे कल हुआ था कि इंटर हमने नेपाल में किया, आज वापस फिर अपने भारत में, ऐसा ही कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था हमारे साथ में और गुरुजी साइकिल बाबा। जब हम चल रहे थे एक बार हम आ गए सेनेगल में, फिर वापस गाम्बिया में, फिर वापस सेनेगल में, क्योंकि एक एरिया उसका 150 किलोमीटर के ही आसपास था बस, जो हमने क्रॉस किया बस। भाई इंडिया में आते ही बरसात ने हमारा स्वागत किया है, और सामने देख रहे हो ये बॉर्डर है, आगे नो मैन जोन शुरू हो जाएगा उसके बाद इंडिया। भाई अभी क्या हुआ, आपने देखा होगा जो मैं बोल रहा था, ये नेपाल बॉर्डर है, फिर नो मैन जोन शुरू हो जाएगा। अभी मैं नो मैन जोन से चल पड़ा हूँ, और क्या है कि फौजी ने रोका, बोला कि अपना झंडा निकालो। मगर क्यों सर, कि आप इंडिया जाके उस साइड लगाना, यहाँ पे नेपाल है, ये नेपाल का झंडा लगेगा। फिर मैंने उसको समझा कि सर मैं इतने देश कर चुका हूँ, और मैं अपने झंडे को लेके, अपने झंडे का क्या है कि मैं अपने देश को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये कोई गलत नहीं होता। और कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है सर, वो अपना झंडा आगे लेके चलता है, वो चाहे किसी भी देश में जाता है, समझे। बोला समझे, मैं सर ये गलत नहीं होता, कोई गलत नहीं है, ये झंडा ये मेरे देश का झंडा है, कोई किसी वैसी चीज़ का नहीं है ये, और मैं अपने देश को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ। आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये झंडा निकालो। एक जगह और हुआ था जब मैं कोसी नदी के पास था, तब बोला था और अब बोला है, मतलब यार जो ये भारत का और नेपाल का हो रखा है डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे के साथ अभी करंटली,
चलो वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा बोलना तो बहुत गलत बात है ना, नहीं बोलना चाहिए ऐसे यार। क्या है मतलब, ये क्या मतलब है बोलने का, समझना चाहिए यार। एक वो फौजी है, हम फौजियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अपने पिताजी के समान, और फिर भी ऐसी हरकत करते हैं तो यार गुस्सा आता ही है। और कुछ ये नहीं है कि ऐसा ही मिला है भाई, जिसा पानी देखा होगा आपने, वहाँ पे फौजियों ने इतना प्यार दिया था, और उससे पहले भी और उसके बाद में भी अल्टीमेट। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी है, आप देख सकते हो कि कितना प्यार बोला है मैंने, कि फौजी भाई कितना प्यार देते हैं, इतना मतलब रिस्पेक्ट। मेरे लिए पानी लेके आए हैं और मेरी साइकिल को ट्रक में डाला, क्योंकि साइकिल वहाँ पे अलाउड ना था 15 किलोमीटर के आसपास। तो सैल्यूट तो है फौजी भाइयों के लिए, चाहे वो नेपाल से हैं, चाहे भारत से हैं, या किसी भी देश से हैं, तो सभी के लिए एक सैल्यूट। और हम चल रहे हैं अभी नो मैन जोन में, और बरसात आ रही है, देख रहा होगा हल्का हल्का आपको, और बरसात से स्वागत इंडिया में हमारा। जल्दी से कर लूँ रुकने की जगह देख लूँ यार, है ना। आज तो मैंने फ़ोन भी भारी लगा रखा है, और कैमरा तो आप देख ही रहे हो तो करते हैं यार जल्दी से, रुकते हैं कहीं पे। जो सामने दिख रहा बॉर्डर भाई, ये अपने भारत का बॉर्डर है। मज़ा आ गया यार, आई लव माई कंट्री। और यहाँ से 28 किलोमीटर रहता है सिलीगुड़ी, आज पहुँचना हमने सिलीगुड़ी, 8 ही बजे हैं, जल्दी आ गए यार। भाई हम आ गए थे गलत रास्ते, अभी हमें जो बॉर्डर था ना अपना इंडिया का, वहाँ से यू टर्न करवा दिया है, बोले कि यहाँ पे साइकिल अलाउड नहीं इस हाईवे पे, तो आप यू टर्न करो और साइड में एक और दूसरा रोड है, आप उससे जाओ। अब भाई उससे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ऑटो चलती हैं और बाइक चलती हैं, साइकिल चलती हैं, इससे सिर्फ गाड़ी और ट्रक। मैं यार पहले बता देते, पहले मेंशन कर देते ये चीज़ें, बोला वो आपकी गलती है मैं चल कोई नहीं भाई, तुम्हारे साथ क्या जिद करूँ मैं। देखो भाई यहाँ पे ऑटो ही ऑटो, सामने बोर्ड है जो इंडिया का, और ये थे यहाँ भी मुझे मिले नेपाल के ही सोल्जर, इतने प्यार से बात की यार, दिल खुश हो गया। अरे बहुत बहुत अच्छा है कि आपको नेपाल कैसा लगा सर, बहुत प्यारा, और नेपाल के कैसे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं सर, और सोल्जर उनसे भी ज़्यादा प्यारे और जो मैं पहले इस फ्लाइवर पे चला गया था, ब्रिज पे चला गया था भाई, जो ये दिख रहा है, जो कि सिर्फ कार और ट्रक के लिए अलाउड है, और यहाँ पे देखो साइकिल भी आ रही हैं, ऑटो भी हैं, बाइक भी हैं, जो कि उस पर अलाउड नहीं है, है ना। जो चीज़ अलाउड है नहीं तो भाई जिद नहीं करनी चाहिए आराम से मैं प्यार से वापिस टर्न हुआ, और इस रास्ते पे हम आ गए। लो जी हम आ गए हैं भारत, मज़ा आ रहा है यार मतलब खुशी तो है यार अपने देश में। भाई यहाँ पे 1 घंटा रेस्ट लगा लो, या फिर बारिश की वजह से रुक गए थे वो लगा लो, अब यहाँ से चलेंगे। और भाई वीडियो अपलोड करनी थी, वीडियो अपलोड कर दी है, और देखो अपनी स्वीटो खड़ी है, और यहाँ से जहाँ हमने पहुँचना वो सिर्फ 25 किलोमीटर के आसपास ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और सुबह के 10 ही बजे हैं तो आराम से स्लोली स्लोली मुझे करते हुए बरसात की। चलो भाई चलना, वैसे तला पाड़ दिया आराम ने, कल भी पूरा गति नु अर्धे की भी टी शर्ट कभी भीजी पड़ी है, समझ गए होगे ना। तो आज सोचा वीडियो अपलोड करनी है, और थोड़ा रुक कर ने फिर चल लेंगे, अरे रुक कर इब चल ला, हाँ इब थामने दिखाऊंगे सिलीगुड़ी ठीक से ना। भाई गाना याद आ रहा है कि बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया, वो साइकिल भी साथ ले आया और कुछ नहीं, क्योंकि और कुछ हम लेते नहीं वो चीज़ें, तो इसलिए बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आया,
और साइकिल भी साथ ले आया। अच्छा है ना, कभी कभी ये भी इंजॉय करना चाहिए, ऐसे गाते हुए चलो, फुल इंजॉय, फुल मौज मस्ती। और भाई बस बरसात ना मिले थोड़ी दूर तक, और है ना ऐसा मन कर रहा थोड़ी सी स्पीड दिखाई, अंदर जुनून जागा हुआ है। अभी चाय वाय पी थी ना, वो एडजस्ट तभी होती है जब स्पीड चलती है, और कहते हैं बूंद आ गई भाई छोटी छोटी। ए ए ए ले भाई ले भाई ले भाई, यार गलत बात है ये तो राम जी।